लुधियाना और अमृतसर वालों के लिए सुनील जी से मिलने का मौका। सुनील कुमार जी जल्द ही आपके शहर में आ रहे हैं। अगर आप पर्सनली सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। सुनील जी हर हफ्ते संडे को चंडीगढ़ में अवेलेबल होते हैं। अगर आप सुनील जी से चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। जो दौड़ दौड़ कर भी नहीं मिलता वही संसार है, जो दौड़ दौड़ कर भी नहीं मिलता वही संसार है, और जो बिन दौड़े मिल जाता है वो परमात्मा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वन एंड ओनली द एस्ट्रो ओपीडी अब बदलेगा नसीब। और दोस्तों मेरे साथ हमेशा की तरह यानी कि आज भी एस्ट्रोलॉजिस्ट सुनील कुमार जी। सुनील जी स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। तो दोस्तों दुख बहुत ज़्यादा है तो उन दुखों का निवारण भी ज़रूर है, लेकिन ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इनको आपने बिल्कुल भी टाइम अपना बिना गवाए इनको नोट कर सकते हैं और आज ही अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आप ही में से यानी कि आप ही लोगों में ने जितने भी हमें ईमेल्स भेजे हैं, व्हाट्सएप किए हैं, उन्हीं में से एक खुशकिस्मत रहेगा जिनका हम मैसेज यहाँ पर पढ़ेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे दर्शकों के साथ भी, और आपकी प्रॉब्लम का जो हल है सॉल्यूशन वो बैठे बिठाए आपको यानी कि घर पे यानी कि इस एपिसोड के जरिए आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे, वो खुशकिस्मत कौन रहेगा वो हम एपिसोड के दरमियान जो है बीच में जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यानी कि हम अपनी जो रोजाना की प्रॉब्लम्स रहती है उन्हीं में से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल देखने में मिलती है सुनील जी, और वो है कि हम जो भी हमें कोई उपाय बताता है या जो भी हमें कुछ करने के लिए दिया जाता है उस चीज को हम फॉलो भी करते हैं, इतने पैसे भी हम लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो चीज है उसका असर नहीं हो पा रहा, यानी कि जो तकलीफें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती ही जाती हैं। तो मीन्स ये कौन से योग हैं जो इस तरह के हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट कर रही हैं? वैसे तो बहुत सारे लाखों योग होते हैं जो कुंडली के अंदर होते हैं जिसकी वजह से जो दिक्कतें ख़त्म नहीं होती या परेशानियां और दुख तकलीफ़ों का कोई सीमा नहीं होती। मैं आज एक ऐसे योग की बात करूँगा, अगर वो किसी की कुंडली में होता है तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा इंसान किसी की मदद करता है वो मदद उसको उल्टी पड़ जाती है, ऐसा इंसान किसी को पैसा देता है तो वो पैसा दे के दुश्मनी मोल लेता है, जिसको पैसा दिया वही दुश्मन बन जाता है, और ऐसा इंसान किसी के घर पे अगर सलाह देने चला जाए या किसी को सलाह दे दे तो उसका भी वो कहीं ना कहीं नुकसान करवा देता है। कौन सा योग है ऐसा? इस योग को कहते हैं कर्म हानि योग। कर्म हानि योग को समझिए, कर्म किया और नुकसान हो गया, आपने कोई काम किया और नुकसान हो गया, ऐसे योग आपकी कुंडली में जब होते हैं तो आपको कहीं से भी यश नहीं मिलता। अगर वो लड़की है, अगर वो बचपन में अगर बात करो बचपन की, अगर मैं बात करूं तो वो बचपन में भी उसको ऐसी बदनामी मिल जाती है जो कि उसको नहीं मिलनी चाहिए। शादी करके जब वो ससुराल जाती है, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी है, जितनी मर्जी अच्छी बन के दिखा दे, लेकिन उसकी किस्मत में अपयश ही होगा। ऐसा इंसान किसी के लिए अगर गर्दन भी कटवा ले तो देखने वाला कहता है कि गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी कटी है। इस लेवल तक के जो अपयश होते हैं इंसान को मिलते हैं। कर्म हानि योग ये एक ऐसा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में जो हमेशा आपको बर्बादी देता है, आपको बदनामी देता है, और यश नाम की चीज़ आपकी किस्मत में नहीं होती। सारी ज़िंदगी इंसान अच्छे कर्म करता है, सारी ज़िंदगी लोगों का भला करता है, लेकिन बुढ़ापे में जब आता है तो कुर्सी पर बैठ के ये कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी लोगों का भला किया, सारी ज़िंदगी मैंने ईमानदारी दिखाई, सारी ज़िंदगी मैंने अच्छे कर्म किए, लेकिन आज की डेट में मुझे हासिल कुछ नहीं हुआ। मैं आज अकेला कुर्सी पर बैठ के ये सोच रहा हूँ कि मैंने इतना अच्छा भी किया लेकिन मुझे उच्च तरह का यश नहीं मिला। मेरे बच्चे भी हुए, वो अपने अपने घर में जाके सेटल हो गए, मैं आज अकेला अकेला हूँ। लड़का था वो अपनी वाइफ के साथ जाके सेटल हो गया, लड़की थी वो अपने ससुराल जाके सेटल हो गई, और आज की डेट में मैं अकेला रह गया हूँ। ये कौन से योग होते हैं?
ये योग होते हैं। राहु का किसी ऐसे प्लेनेट के साथ बैठ जाना जो आपको अपयश देता है, राहु का सूर्य के साथ बैठना, राहु का शनि के साथ बैठना, शनि का सूर्य के साथ बैठना, चंद्र का केतु के साथ बैठना या केतु का चंद्र के साथ कॉम्बिनेशन बना लेना। 6, 8, 12 में तो कॉम्बिनेशन ख़राब होते ही होते हैं। इसके अलावा दूसरे घर में भी अगर ऐसा कोई ड्यूल कॉम्बिनेशन बन जाता है तो भी ये कर्म हानि जो होती है ये आपको मिलती ही मिलती है। ऐसे लोगों के लिए एक छोटा सा मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि ये रूटीन में मुझे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लोगों ने बहुत अच्छे काम किए लेकिन वो मेरे सामने जा आके बैठते हैं तो कहते हैं कि सर हमने सारी ज़िंदगी बहुत अच्छे काम किए लेकिन यश जो है वो कहीं दूर तक हमें नहीं मिला, हमारा खुद का बेटा हमें जो है वो अच्छा नहीं समझता, हमारे खुद की जो बहू है वो अच्छा नहीं समझती, या बेटा अक्सर कहता है कि मेरे पिताजी या मेरे मदर समझते हैं कि शायद मैं बीवी की बात सुनता हूँ उनकी बात नहीं सुनता। ये योग जो होते हैं बहुत नुकसानदायक होते हैं। ध्यान इस चीज़ का रखना है आपको, एक तो अमावस्या, एक चतुर्थी, नवमी और अमावस्या को आपको किसी की हेल्प नहीं करनी। देखिए ये सोसाइटी है, हम हेल्प किए बिना यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन जिनकी कुंडली में कर्म हानि योग होता है वो इन 3 दिनों का बहुत खास ख्याल रखे, आगे पीछे वो अपनी जिसकी मर्जी मदद करे लेकिन ये 3 दिन जो होते हैं इस पर खास ख्याल रखे, किसी की मदद ना की। आपने यहाँ मदद की आपको उसका अपयश मिलेगा ही मिलेगा, आपने किसी की पैसे की हेल्प की आपको उसी पैसे से दुश्मनी मिलेगी, जब आप उससे पैसा मांगोगे तो आपको ना मिलेगी, धीरे धीरे वो चीज़ दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाएगी। कर्म हानि योग जो होता है ये बहुत नुकसानदायक होता है। मैं इसलिए इस चीज़ को आज बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों को दान देने की जो होती है बहुत शौक भी होता है, उनकी श्रद्धा भी होती है, लेकिन दान सही तरीके से किया जाए वही जो है सही रहता है। कोई ऐसा दान जो आपने किया और आपको नुकसान हो गया मैं इसको ठीक नहीं समझता। हेल्प कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए लेकिन सोच समझ कर कीजिए। कर्म हानि योग ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे कुंडली के अंदर जो जोड़ बन जाते हैं ग्रहों के, ये आपको हमेशा नुकसान ही देते हैं। तो जिस योगों की मैं आज बात कर रहा हूँ इसको आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए, अभी अपनी कुंडली खोल के चेक कीजिए कि ऐसा कोई योग आपकी कुंडली में तो नहीं है। ये आमतौर पे क्या होता है, मैंने देखा है कि लोग कुंडलियाँ लेके जाते हैं किसी को दिखाने, वो कुछ ग्रह देखता है कि हाँ ये ग्रह नीच का है, ये उच्च का है, ये इसका ये योग बना हुआ है, ये योग बना हुआ, उसका इलाज करवा के आपको भेज देता है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, ये जब कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में होते हैं तो आपकी ऐसी स्थिति बनती है कि आपको हमेशा अपयश ही जो है मिलता है, चाहे आप किसी के लिए गर्दन कटवा दें आपकी जो बिल्कुल भी प्रेज कोई नहीं करेगा। इसलिए राहु केतु जब किसी अच्छे प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, राहु का मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, जब राहु चंद्र, राहु सूर्य, राहु बुध के साथ बैठा होगा या राहु गुरु के साथ बैठा होगा तो ऐसे योग बन जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें घटती हैं। तो इस चीज़ों का आप अपनी कुंडली में खुद चेक करके इलाज करवाइए। देखिए राहु की मैं बात बार बार क्यों करता हूँ, क्योंकि राहु जो एक प्लेनेट है, अगर साइंटिफिकली आपको मैं समझाना चाहूँ तो आप थोड़ा सा इसको समझिए, साइंटिफिकली राहु आपको क्यों तंग करता है। राहु एक छाया ग्रह है, राहु को कोई घर नहीं मिला हुआ कुंडली में, ये जहाँ बैठता है उसके रिजल्ट जो है वो छीन लेता है। अगर ये गुरु के साथ बैठा है तो ये गुरु को उसके अच्छे रिजल्ट नहीं देना देता। मैंने आपको बताया था गुरु के पास ऐसे पोर्टफोलियो हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। गुरु के पास आपकी एजुकेशन है, गुरु के पास आपका सेटलमेंट है, गुरु के पास आपके जो पैसे हैं उसका डिपार्टमेंट है, गुरु के पास आपका यश भी है कहीं ना कहीं, गुरु के पास आपकी औलाद है, गुरु के पास आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का पोर्टफोलियो है। राहु गुरु के साथ बैठेगा तो गुरु के रिजल्ट को ये छीन लेता है और ये उसके इफेक्ट को नलीफाई करके उस पर खुद हावी हो जाता है। अब थोड़ा सा साइंटिफिकली समझिए कि राहु करता क्या है। राहु आपके दिमाग में एक पार्ट होता है जिसको हम अमिगडाला बोलते हैं। जो मेरा एपिसोड डॉक्टर्स देख रहे हैं, जो साइंस स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो अच्छे से समझ रहे होंगे मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूँ। आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको अमिगडाला बोला जाता है। जो लेडीज़ होती हैं उनके दिमाग का अमिगडाला जो होता है ये थोड़ा साइज़ में छोटा होता है, और जो पुरुषों के जो दिमाग में ये जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है। आपने देखा होगा कि आम तौर पे जो लेडीज़ होती हैं ये ज़्यादा इमोशनल होती हैं,
क्योंकि जो हम इमोशंस हमारे जो हम लेते हैं वो हमारे दिमाग के अमिग्डाला पार्ट से ही जनरेट होते हैं। ये छोटा होता है लेडीज़ के दिमाग में, ये छोटा होने की वजह से लेडीज़ इमोशनल होती हैं और बात बात पर इनका रोना निकल जाता है। और पुरुषों के दिमाग में इसका साइज बड़ा होता है, इसका राहु का इफेक्ट अमिग्डाला पे बहुत कम होता है। इसकी वजह से जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। राहु का आपके दिमाग पे ये इफेक्ट रहता है। और जब दिमाग से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं, जब दिमाग पे कोई चीज़ प्रेशराइज करती है तो इंसान टूटता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राहु जब भी बैठता है किसी अच्छे प्लैनेट के साथ, उसके इफेक्ट्स ख़त्म कर देता है। जब राहु चंद्र के साथ युति करता है, चंद्र के साथ बैठता है, उसका कॉम्बिनेशन बनता है, तो इंसान ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। बात बात पर रोना उसकी हॉबी बन जाती है, उसकी हैबिट बन जाती है। आपने देखा होगा किसी इंसान की ऐसी नेचर होती है, वो किसी का दुख सुनते सुनते रोना शुरू कर देता है। आप बात कर रहे हैं और उसकी अगले जो सामने इंसान बैठा हो उसकी आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। इसकी यही वजह होती है कि ये इसका इफेक्ट जो होता है आपके दिमाग पे होता है, आपके दिमाग में अमिग्डाला जो होता है उसके ऊपर होता है, इस वजह से इंसान इमोशनल होता है। ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में जब होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। कई इंसान तो प्रॉब्लम्स को बहुत दलीरी के साथ जो है पार कर जाते हैं, लेकिन कई लोग वहाँ ही बैठ जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कुंडली चेक कीजिए, अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है उसके इलाज आप करवाइए। मैं टिप्स भी आपको बताता रहूँगा, रेमेडीज भी आपको बताता रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जी जी, लेकिन सुनील जी, जैसे हम कुंडली में देखते हैं अक्सर के इतने से लेकर इतने वर्ष तक आपका राहु काल है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं? मीन्स पता खुद भी चल सकता है कि हाँ हमारा राहु काल चल रहा है, या फिर मीन्स ये दिखाना ही पड़ेगा? देखिए, राहु काल आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं, राहु काल इसको नहीं बोलते हैं, इसको राहु का इफेक्ट बोलते हैं। राहु का इफेक्ट आपकी जिंदगी में क्या होता है, सुनिए, आज की डेट में कलयुग में राहु सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्लेनेट है। मींस कैसे परेशानियां आ सकती हैं? जी, परेशानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। राहु की नेचर क्या है, जल्दी जल्दी हर काम को करना, पेशेंस कम कर देना। अगर कोई आपने आज कोई दुकान खोली है तो आपको है कि आज ही दुकान पे कस्टमर चढ़ जाए, जैसे मर्जी चढ़े। या आपने कोई चीज़ देखी है, आपने कोई गाड़ी देख ली है, आपने कोई बंगला देख लिया, आपने कोई कोठी देख ली है, तो आपको होगा कि मैं अच्छे या बुरे तरीके से पैसा कमा करके ये चीज़ अपने घर में ले आऊँ। ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन मैंने देखे हैं, ऐसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे नशे भी करते हैं, ये अपनी जो सुख सुविधा पूरी करने के लिए सर चोरी भी करता है, ये हमारे पैसे अंदर से निकाल के ले जाता है, लेकिन ये अपनी जो डिमांड्स होती हैं ये अपनी पूरी कर लेता है। ये एक बुरा राहु होता है, बुरा राहु हमेशा आपको तंग करता है। इसको जल्दबाजी होती है ऐसे इंसान को कि मुझे किसी तरह से ये चीज़ मिल जाए, जिस चीज़ को देखा वही अपने बनाने की इच्छा जो है ये दिमाग में पैदा करता है। इसकी वजह से राहु को मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानता, अच्छा उस केस में मानता हूँ जब ये बहुत अच्छी जगह बैठा हो, फिर इंसान अपने दिमाग में डिमांड उसके दिमाग में तो जाग जाती है कि ये चीज़ मैंने लेनी है, लेकिन उसके लिए वो मेहनत करता है। मेहनत करवाने के लिए आपको शनि हेल्प करते हैं, गुरु आपको सपोर्ट देते हैं, आपका थर्ड हाउस आपको सपोर्ट करता है, फिर आप मेहनत करते हो, फिर आप अच्छा पैसा कमाते हो, और वो जो आपके दिमाग में डिमांड पैदा हुई थी, जो आपने अर्ज पैदा की थी अपने दिमाग में कि मुझे वो चीज़ लेनी है, फिर आप लेते हो। खराब राहु आपको गलत रास्ते पे लेके जाता है। बच्चे ज़िद्दी होना, बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे बदतमीजी पे उतर आते हैं, ये एक बिगड़ा हुआ और ख़राब राहु ही करवाता है। अपनी कुंडली चेक कीजिए, अपने बच्चों की कुंडली चेक कीजिए, अगर राहु कुछ ऐसी जगह पे बैठा हुआ है तो आप उसका इलाज करवाइए, वरना आपको आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो मैं ये कहता हूँ कि साइंटिफिकली समझिए ग्रह को, साइंटिफिकली समझ के, लॉजिक समझ के उसका तरीके से इलाज कीजिए। आज लोग उलझा रहे हैं कि ये जाके नहर में डालाओ, ये जाके वहाँ रखाओ, ये जाके वहाँ रखाओ, लेकिन लॉजिक कोई नहीं समझा रहा, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। आप उपाय तब कीजिए जब आपको चीज़ समझ आए, वरना उपाय मत कीजिए। उपाय समझ के किया हुआ ही काम रिजल्ट देता है, अदरवाइज़ आपको वो उपाय बिल्कुल जो है रिजल्ट नहीं देगा। श्रद्धा जो है वो आपकी बहुत होनी चाहिए उपाय करने के वक्त, अदरवाइज़ जो बिना श्रद्धा के या बिना दिल के उपाय किए होते हैं उनका कोई भी फायदा नहीं होता। वो लोग कहते हैं कि मुझे तो कोई उपाय से फायदा नहीं हुआ और ज्योतिष में कुछ नहीं रखा हुआ।
जी बिल्कुल। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो आपको समय प्रॉपर बताया जाता है, जो जो चीज़ें जितनी मात्रा में बताई जाती हैं, जैसे बताई जाती समझाई जाती हैं, उसी तरीके से उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर कॉल करके आज ही अपने लिए अपॉइंटमेंट ज़रूर फिक्स कर सकते हैं। आप हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट सुनील कुमार जी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि रश इतना ज़्यादा है, समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारी नहीं आएगी, बारी ज़रूर आएगी आपकी, चाहे दिन बाद आए चाहे हफ्ते बाद आए, लेकिन मुलाकात का जो समय है वो आपको ज़रूर मिलेगा एस्ट्रोलॉजिस्ट सुनील कुमार जी के साथ। तो फिलहाल मैं जो हमारा आज का एपिसोड जो स्पेशल होने जा रहा है सुनील जी, मैं चाहूँगी कि अगर आप इजाज़त दें तो उसकी शुरुआत करें जी। तो हमारे वो खुशकिस्मत जो व्यूअर्स हैं वो हैं अमृतसर से श्री केवल कृष्ण जी। केवल जी आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ, और इनका कहना है सुनील जी कि मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है और पिछले 3 साल से काम बहुत डाउन है, इसलिए मैंने कर्ज़ा ले लेकर गुजारा कर रहा हूँ। मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत जगह अपनी कुंडली भी दिखाई है, लेकिन मेरी समस्या कहीं से भी ख़त्म नहीं हो पा रही नज़र आई अभी तक। और आपका शो देखकर और आपके सिंपल से उपाय सुनकर मुझे उम्मीद जगी है, तो डिटेल्स में जाकर मुझे बताएं कि मुझे क्या करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि कर्ज़े से भी छुटकारा मिले और जो काम है वो इनका धीरे धीरे अपनी जो लाइन है उस पर आ जाए। और मेरे ख्याल से आपने इनकी कुंडली तो पहले देखी थी कृष्ण जी, मैंने आपका जो हॉरोस्कोप था, आपकी कुंडली चेक की थी, उसमें आपके कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है। काल सर्प योग बना हुआ है, मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ये वर्ड कि आपको आज तक सभी लोगों ने यही बोला होगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, जबकि आपकी कुंडली में काल सर्प योग नहीं है। आप उसका इलाज करवा रहे हैं, इसके लिए आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। आपकी कुंडली में कुछ ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपको 3 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, आप शनि का काम कर रहे हैं, और शनि के काम में आपको उपाय भी शनि के ही करने हैं। इसकी वजह से आपको आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं आपको दो उपाय, आपने दो प्रश्न पूछे हैं, दोनों प्रश्नों का आपको जवाब दूंगा, और दोनों प्रश्नों के आपके जो उपाय हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इनको नोट कर सकते हैं। मेरे उपाय बहुत सिंपल होते हैं, घर से ही शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूँ बड़ों का आदर कीजिए, घर के जो चीज़ें आपके घर के अंदर पड़ी हुई हैं उनको यूज़ कीजिए, और आपका सॉल्यूशन आपके घर के अंदर ही है। और सुनील जी देखिए, कृष्ण जी ने स्पेशली इस चीज़ को मेंशन भी किया हुआ अपनी ईमेल में कि आपके जो उपाय हैं वो बहुत ही साधारण हैं। मुझे मुझे जो कॉल्स आती हैं, जो मुझे फ़ोन आते हैं, उसमें लोग कहते हैं कि सर आपके उपाय बहुत सिंपल हैं, इसलिए हम आपको बहुत पसंद करते हैं। और जब मिलने भी आते हैं तो ये चीज़ मुझे सुनने को मिलती है, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि एस्ट्रोलॉजी है उसकी हेल्प लेके आपकी हेल्प करूं। मेरा मकसद कुछ और नहीं है, मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उनका धंधा होगा, उनका बिजनेस होगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जो मेरे पास आया है या जो मेरे पास अप्रोच करता है, उसको मेरी कोशिश यही होती है कि सिंपल उपाय मैं आपको बताऊँ और सिंपल उपाय से आपका हल कर दूँ। आपको बहुत ही मैं सिंपल उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको अपने ऑफिस की जो दहलीज है उसकी दोनों साइड्स पे आटा जो होता है, जो बूरा होता है आटे का, वो डालना है। और ये आपको ऐसे डालना है कि कोई आपको ना तो नोट करे और ना ही किसी को ये चीज़ पता चले। बहुत थोड़ी थोड़ी सी चुटकी लेके आपको दोनों तरफ से डालना है। आपका काम जो ट्रैक से उतर चुका हुआ है ये फिर दोबारा ट्रैक पे आ जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर आपको कुछ बहुत बड़ी समस्या भी होती है, उसका हल भी आपके घर के अंदर है। बस ये है कि आपको पता नहीं है कि आपके घर के अंदर पड़ा क्या हुआ है और आपको उसको यूज़ कैसे करना है। ये दोनों उपाय करने के बाद आप मुझे फ़ोन करके अपना फीडबैक दीजिए, और मैं आपको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद आपका कर्जा भी उतरेगा और आपका काम भी जो ट्रैक पे दोबारा चल पड़ेगा जी। सो केवल कृष्ण जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जो जवाब है वो ज़रूर मिल चुका होगा। तो जो चीज़, जो रेमेडी आपको फ़िलहाल यहाँ पर बहुत ही साधारण से बताई गई है, उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए और देखिए कि किस तरह से कुछ ही दिनों में आपकी जो लाइफ है वो किस तरह से, यानी कि चेंज जो है आपको खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हमारा प्रोग्राम द एस्ट्रो ओपीडी अब बदलेगा नसीब में, मैं हूँ आपके साथ कविता सिंह, और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट सुनील कुमार जी, जो अपने कीमती समय में से हमेशा समय निकाल कर हमारे इस शो का हिस्सा बनते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स का जो समाधान है आपको यहाँ पर बताते हैं। फिलहाल हमने अभी ईमेल की बात करी थी, और इसी के साथ एक व्हाट्सएप हमारे जो खुशकिस्मत हैं वो है
आंचल खन्ना लुधियाना से। तो आंचल का कहना है, सर मैं एक BDS डॉक्टर हूँ और मेरा काम सब ठीक है, बस मेरी शादी में दिक्कत आ रही है। तो ये मेरे ख्याल से कईयों की प्रॉब्लम रहती है, सुनिए जी। तो किसी ना किसी से मेरी शादी की बात यानी कि नहीं हो पा रही है। मैंने काफ़ी उपाय भी किए हैं, काफ़ी टेबल भी दिखाए हैं मैंने अपना कई जगह पे, बट कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिला है। और अभी एज भी जो है वो 30 उनकी हो चुकी है और मेरा मन भी अब बहुत उदास रहता है, क्योंकि एक एज जो है आपकी यहाँ पर कई बार समय आ जाता है कि तब आपका मन जो है फिर वो नहीं लगता है, आप बहुत ही अलग तरह के सवाल जो है मन में आने लगते हैं। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं अब मेरी उम्मीद जो है अब आपसे ही जुड़ गई है। तो इन्हें कोई ऐसा उपाय बताइए सुनील जी, ताकि जल्दी से इनकी शादी हो और शादी पे भी फिर ये आपको ही बुलाए, मैं ज़रूर चाहूँगी। अंचल जी, आपका जो क्वेश्चन है, आपने जो पूछा है कि आपकी शादी नहीं हो रही, मैं आपने कहा मैंने बहुत जगह कुंडलियाँ भी चेक करवाई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ जहाँ आपने कुंडली चेक करवाई होगी वहाँ आपको एक चीज़ सुनने में मिली होगी कि आपका 7th हाउस खराब है। 7th हाउस का जो प्लेनेट है वो कहीं ऐसी जगह बैठा हुआ है जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही। मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, डायग्नोज गलत हुआ है, इसलिए आज तक आपको वेट करनी पड़ी है। डायग्नोज जब ठीक होता है, मेडिसिन अच्छी मिलती है और उसका मेडिसिन का असर बड़ी जल्दी होता है। आपकी कुंडली में एक प्रॉब्लम जो है वो है आपके नवमांश कुंडली में, जो नवमांश का जो मालिक है शुक्र है वो डैमेज पोजीशन में पड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको ये समझा दिया मैंने आपको, अब आप अपना उपाय नोट कीजिए। ये उपाय करने के बाद आपको जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप मुझे कॉल कीजिए और मेरा भी जो कंग्रेचुलेशन है वो आप ज़रूर ले लीजिएगा। आपको छोटे छोटे 2-3 काम करने हैं जो आपको घर के अंदर ही करने हैं। केसर आपके घर में पड़ा होगा, ज़रूर पड़ा होगा, नहीं है तो आप उसे बाज़ार से ले आइए। घर में आप केसर रखिए, अपने रूम में केसर रखिए और उस केसर में से थोड़ा सा केसर का तिलक बना के आप अपने लेफ्ट कान के पीछे लगाना शुरू कर दीजिए। ये आपको तब तक करना है जब तक आपकी इंगेजमेंट नहीं हो जाती और टिल मैरिज इसको आपको करते रहना है। ये हो गया एक नंबर। 2 नंबर, आपको एक चांदी का कड़ा बनवाना है और उस कड़े के अंदर वाली साइड, यानी कि जैसे ये कड़ा है इसके अंदर वाली साइड आपको रेड कलर की नेल पॉलिश लगानी है मंडे वाले दिन सुबह 9 बजे से पहले। इस कड़े को भी आप पहने रहिए, जब आपकी शादी हो जाए उसके बाद ये कड़ा आप रिमूव कर सकते हैं, उसके पहले इस कड़े को मत उतारिए। और इन 2 उपाय करने के बाद तीसरा उपाय छोटा सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो जब नहाते हैं तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी और केसर दोनों डाल लीजिए। आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं देता था, कई बार मेरे उपाय कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टाइम में जिसका रिजल्ट आ जाता है। आप ये 3 काम कीजिए, आपका मनपसंद शादी जहां आप करना चाहेंगे, जैसा लड़का आप पसंद करना चाहती हैं, जैसा लड़का आपको चाहिए वैसा लड़का कहीं ना कहीं से आपके सामने जो है खड़ा हो जाएगा और आपकी शादी की जो बात अब तक नहीं बन रही है वो बन जाएगी। देखिए कविता, मैं एक छोटी सी बात सबको मैसेज भी देना चाहता हूँ। क्या होता है कि आपकी कुंडली जो होती है उसमें सभी लगन को चेक करते हैं, मेरा केस में कुछ डिफरेंस है इसलिए लोगों को फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं डिविजनल चार्ट भी चेक करता हूँ। जी वही सुनील जी, क्योंकि जब आप बता रहे थे मैंने ये चीज नोट करी कि देखो इन्होंने बोला कि मैंने कई जगह अपनी कुंडली दिखाई है, टेवा दिखाया, यानी एक पर्सन जो है वो गलत हो सकता है, 2 पर्सन गलत, लेकिन सभी तो गलत नहीं हो सकते क्योंकि रीजन क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ लगन कुंडली के ऊपर काम कर रहे हैं, लगन कुंडली के ऊपर लगे हुए हैं, कोई उसके ऊपर जा ही नहीं रहा। ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी जो है ये डिविजनल चार्ट पे काम करती है, इसलिए इसके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। अगर लाइफ में कोई भी ट्रबल आती है तो उस पार्ट को पकड़िए, आपके शरीर का कोई अगर पार्ट खराब है तो उस पार्ट का इलाज कराइए। ब्रेन में दिक्कत आ रही है तो आपको न्यूरोसर्जन के पास जाना पड़ेगा, मैं बार बार कहता हूँ। किडनी में दिक्कत है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो MD डॉक्टर के पास जाइए। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट के डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। वो आप उसको आपकी आईज के साथ कुछ लेना देना नहीं है, हार्ट के डॉक्टर को आपकी किडनी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, हार्ट के डॉक्टर को उसको उस चीज़ का इलाज करना है। इसलिए ये जो डिविजनल चार्ट होते हैं ये आपकी कुंडली के लगन कुंडली के बाकी हिस्से होते हैं। प्रोफेशन देखना है D10 चार्ट देखिए, पेरेंट्स की अगर हेल्थ देखनी है आपके, अगर पेरेंट्स का चार्ट नहीं है पेरेंट्स की हेल्थ देखनी है तो D12 चार्ट देखा जाता है, D60 तक चार्ट होते हैं। अगर तरीके से चीज़ देखी जाए तो मैं कहता हूं जितने मर्जी आप बाहर उपाय कर लीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तरीके से करेंगे तो आपको उपाय भी अच्छा मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो मैं जड़ से ही चीज पकड़ता हूं और जड़ से खत्म करने की कोशिश करता हूं।
बाकी आपकी किस्मत भी है और मेरा जो आपको रहता है एडवाइस रहती है वो तो आपको है ही है, बाकी मेरी कोशिश यही है कि आपकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से आंचल जो आपको उपाय फिलहाल सुनील जी ने बताए हैं, सबसे पहले यानी कि एक तो आपने अपने कान के पीछे केसर का जो चंदन का जो है तिलक लगाना है, टीका लगाना है, और जो दूसरा उपाय आपको बताया है कि आपने अपने कड़े के पिछली वाली साइड यानी कि अंदर वाली साइड नेल पेंट जो रेड कलर की है उसको लगाना है, और आंचल तीसरा उपाय जो आपको बताया है हमारे सुनील कुमार जी ने, यानी कि आपने नहाने के समय जो है अपनी जो बाल्टी है उसमें हल्दी और केसर डाल के फिर आपने स्नान करना है। फिलहाल इन उपायों को आप यूज करके देखिए, डेफिनेटली जिस तरह सुनील जी ने बोला है कि आपको आपकी पसंद इसका का जो मैं एक, है, हाँ, एक मैं वो एक उसका आपको लॉजिक बता देता हूँ कि मैं ये जो आपको उपाय बताए हैं ये क्या इसका कारण क्या है। देखिए, शादी कहीं ना कहीं लड़की की कुंडली में गुरु के साथ जुड़ी हुई है और लड़के की कुंडली में शुक्र के साथ जुड़ी हुई है, तो जब हम गुरु का हमने रिजल्ट लेना है तो हमको गुरु के ही उपाय, अच्छे उपाय करने पड़ेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। आप सिर्फ लग्न कुंडली में घूम रहे हैं, लग्न कुंडली में कुछ नहीं है, लग्न कुंडली आपकी ठीक है, D9 में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको हल बता दी है, इसको ठीक कीजिए, शादी आपकी डेफिनेटली विद इन टाइम होगी और आपकी मर्जी मुताबिक होगी। तो दोस्तों नंबर है, इन नंबरों के ऊपर जल्दी से आप कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और इसके अलावा 9779142142 ये नंबर है जिनके ऊपर आप व्हाट्सएप भी छोड़ सकते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में भी हम हमारे किसी ना किसी एक खुशकिस्मत का यानी कि ईमेल लेंगे, और इसी के साथ एक खुशकिस्मत ऐसा होगा जिसका व्हाट्सएप पे हम मैसेज यहां पर रीड करेंगे। फिलहाल समय हो चला है आप लोगों से इजाजत लेने का, और जाते जाते एक छोटा सा टिप मैं आपसे सुनील कुमार जी हमारे दर्शकों के लिए जरूर लेना चाहूंगा। टिप तो नहीं, मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि आपका अगर कोई एपिसोड मिस हो जाता है तो आप मेरे यूट्यूब पे भी ये प्रोग्राम्स देख सकते हैं, और मेरा फेसबुक पेज जो है वो द एस्ट्रो ओपीडी है, आप उस पर भी जाके अपने कमेंट्स दे सकते हैं या आप उसको लाइक कर सकते हैं। तो मेरा तो यही है कि आप किसी तरह से आपको सस्ते में छुटकारा मिले अपनी प्रॉब्लम से, आपको इजीली घर बैठे ही आपको इलाज मिले, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका कोई एपिसोड मिस होता है तो आप उसको जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, टाइम निकाला है आज के लिए, तो थैंक यू सो मच। और इसके साथ दोस्तों मुझे कविता सिंह को भी दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अगली बार मुलाकात होगी, नमस्कार। लुधियाना और अमृतसर वालों के लिए सुनील जी से मिलने का मौका, सुनील कुमार जी जल्द ही आपके शहर में आ रहे हैं। अगर आप पर्सनली सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142, 7696286065। सुनील जी हर हफ्ते संडे को चंडीगढ़ में अवेलेबल होते हैं। अगर आप सुनील जी से चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142, 7696286065।